गोबरिया बावड़ी चौराहे पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों ने नगर विकास न्यास के खिलाफ कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि यूआईटी द्वारा 3 महीने पहले विश्वकर्मा नगर में दुकानें आवंटित की थी। जब वह दुकानों का पैसा जमा करवाने के लिए यूआईटी पहुंचे तो अधिकारियों ने दुकानें आवंटित करने से मना कर दिया और कहा कि अब नए सिरे से दुकानदारों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। 3 महीने से सभी दुकानदार बेरोजगार हैं। गोबरिया बावड़ी चौराहे पर वर्तमान में अंडरपास व ब्रिज का निर्माण होने के बाद गोबरिया बावड़ी चौराहे पर यूआईटी द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के साथ ही दुकानदारों व स्थानीय वासियों को यूआईटी पुनर्वास भी किया जा रहा है। विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र जैन ने बताया कि यहां पर जिन लोगों के मकान दुकानें हटाए गए उनका सभी का पुनर्वास किया जा रहा है। पूर्व में जो नंबर दिए गए थे उनमें कुछ मकान वालों का पुनर्वास कर दिया गया है। दुकानों के किरायेदारों का भी फैसला किया जा रहा है, इसलिए अभी यहाँ नहीं कहा जा सकता कि उनको पुनर्वास नहीं होगा। इस बारे में शीघ्र ही फैसला किया जाएगा। हमको यूआईटी ने सर 3 महीने पहले सर दुकानें दी थी गोबरिया रोड चौड़ा करने के लिए, पर यूआईटी के 3 महीने बीत गए सर, अभी तक पैसा जमा नहीं कराया। अब यूआईटी बोलते हैं कि हमने आपकी दुकानें और को आउंटेन कर दी। सर आज तक सर कभी ऐसा हुआ नहीं सर यूआईटी में, ये यूआईटी में सर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसे लेकर दान लेके उन्होंने दान लिए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है सर। इससे सब 3 महीने सर सब बेरोजगार है सर, किसी के पास पैसा नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। हम सब रोड सर मैं सर फुट बेच रहा हूँ सर, पर सर आज सब बेरोजगार है सर। इसमें सर वो विश्वकर्मा नगर में सर, हाँ मैं 13 साल से वहाँ पे ही रहा गोबरिया बावड़ी में, और जैसे ही इन्होंने काम स्टार्ट करा तो उन्होंने 3-4 महीने पहले हमें आउंटन दिया था। आउंटन देने के बाद में हम सर बहुत से बार घूमते रहे ई मित्र के चक्कर लगा, उनके चक्कर लगाते रहे यूआईटी के, और आज अभी तक भी उन्होंने हमारे कोई पैसे जमा नहीं कराए। और अब जब पैसे जमा कराने की बोल रहे हैं तो सर हमने आपकी दुकानों की जगह चेंज कर दी और जगह भी नहीं बता रहे अभी तक हमें। सर यूआईटी ने कमाल कर दिया, आजकल के इतिहास में मेरे ख्याल से 20 यूआईटी के इतिहास में पहली बार है कि मेरी दृष्टि में तो यूआईटी में आजकल ये फर्जी जो आवंटन पत्र भी छपने लग गए। 3 महीने पहले फर्जी आवंटन दे दिया, बच्चों को टॉफी देते ऐसे पकड़ा दी, ठीक है सर, और अब मलाई लेकर के पैसे ले लेकर के यूआईटी ने इन्हीं आवंटनों को जो आवंटित हुई थी उन्हीं दुकानों को दूसरों को दे दी। मेरी सर किराने की दुकान थी, वहाँ पर ये सर विश्वकर्मा नगर में हुई थी, दुकान नंबर 26। सर पैसे ही खा लिए, पैसे जमा नहीं करे यूआईटी ने हमारे, तो और पैसे तो लेकर के दूसरों को जमा कर दूसरों को दे दी इन्होंने। दुकान पे गए फिर क्या रहा, विश्वकर्मा नगर पहुंचे आप? सर विश्वकर्मा नगर गए थे, वहाँ कुछ भी नहीं है। यूआईटी गए थे वहाँ, पूछा भाई कि जमा हम जो है वहाँ कुछ बना लें, इसका कंस्ट्रक्शन कर लें, बोले आप पैसे जमा कराओ, पहले पैसे जमा कराने बोलते बोले अभी पैसे जमा नहीं होते।